अस्सलाम वालेकुम, साकिब मेहदी अली प्रोडक्शन में आपका इस्तकबाल है। ज़िंदगी जीना है तो खुलकर जियो, खुलकर जीना। आई एम टेलिंग टू अबाउट द वर्ल्ड वुमेंस एंड वर्ल्ड मुस्लिम्स एंड ईटीसी। बिंदास जियो, बिंदास जगा से कहते हैं ना, खुलकर जियो। एक ऐसे परिंदे की तरह जो अपने आसमान में पूरी तरह प्रवास करता है, उड़ती ही चले जाता है, उड़ती चला जाता है, फिर कहीं थक जाता है तो किसी साए में थोड़ी देर के लिए आराम करता है, फिर और उड़ते चले जाता है। फिर परिंदों के गोल अगर उड़ रहे तो उनके साथ भी थोड़ी देर उड़ने का मज़ा ले लेता है। तो ऐसी ज़िंदगी जियो, बिंदास जियो, खुल के जियो। मैंने इससे पहले फ़िलासफ़र हैप्पीनेस में ये टॉपिक नहीं लिया था, लेकिन अब ले रहा हूँ। हम आज की ज़िंदगी में खुल कर नहीं जीते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर ओवर सेल्फ। एक्सप्लोर अलग होता है तशरी, और खुल के जीना अलग होता है। जी हाँ, खुल के जीना। ये दोस्त है, मुझे इससे बात नहीं करना, लेकिन किसी वजह से इनसे बात करना है। ये भाई है, इससे बात नहीं करना, नहीं रहना, करना पड़ता है। तुमको अवॉइड करो, नेगलेक्ट करो, वो खुद ब खुद तुमसे दूर रहें। और जिनके साथ आपको रहने का मज़ा आता है उनके साथ रहो और उनसे बातें करो, वो भी आपसे नज़दीक रहेंगे, तो उससे ज़िंदगी का मज़ा आएगा। उसे कहते हैं खुल कर जीना, एक्सप्लोर योर सेल्फ। आपको मक्का जाना है, पसंद है, लेकिन आप पाकिस्तान में है फ़िलहाल, और आपको मक्का जाना है और मक्का में रहना पसंद है, वहाँ के लोग पसंद है, तो आप पाकिस्तान को थूको, थूक दो और मक्का में अपना जॉब कीजिए, वहाँ पे खुश रहिए। खुल कर जीने का मतलब ये है, हम खुलकर उस वक्त जीते हैं, उसमें कई वजह होती है। एक माहौल पहले बताया मैंने, एटमॉस्फियर, जहाँ हम रह रहे वहाँ, पड़ोस, साथ में काम करने वाले, इन सब से हम खुलकर जीते हैं। जी हाँ, पड़ोस, साथ में काम करने वाले और रिलेटिव उस बाद में आते हैं। तो बिंदास जियो, खुलकर जियो। कोई आपको तकलीफ दे रहा है, आप हक पर है, सही हैं, लेकिन कई लोग कह रहे कि आप गलत है, तो आप सही है, तो बिंदास आप अपना काम करो। हाँ, बिंदास जियो, चाहे 100 लोग गलत कहे आपको, लेकिन आप सही है तो आप सही है, और 100 लोग सही है और आपका एक का काम गलत है तो फिर आप गलत है। अगर वो अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की नज़र में गलत हुआ तो, लेकिन ये देखा जा रहा है कि आपको मोहरा बनाया जा रहा और आप सही है, तो फिर आप अकेले पूरी दुनिया से लड़ जाओ, चाहे इसमें आप शहीद हो जाओ। जी, ऐसा भी है, खुलकर जीने का मतलब ये। खाने में, पीने में, हर चीज़ में खुलकर जियो। फूल खाओ, फूल जियो, सुकून से नमाज ही पढ़ो, रोज़े रखो, अपनी ज़िंदगी जियो, अपना खुद का घर, अपनी खुद की ज़िंदगी, खुद का उठना, खुद का उठ बैठना और सारे खुद के काम। उसे कहते हैं खुद कर जी। और खुल कर जीना उस वक्त मुमकिन है कि जब तक कि हम अपने आप को वैसा बनाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको खुल के जीने पे से कुछ शॉर्टकट में बताता हूँ मिसालें। कि एक शख्स है, एक आदमी है, कि उसके अंदर काबिलियत है कि वो अच्छी स्पीच दे सकता है, एक अच्छा नेता बन सकता है, लेकिन उसको घर वाले बोलते गुच्चू बैठ रहे, मुंह बंद कर रहे, या कोई बात होता है तो उसने ना वीडियोस निकाले, ना कोई आर्टिकल्स दिखे, ना लोगों में कहीं पे चार में अपनी बात रखने लगा। लेकिन जब भी वो कभी थोड़ी बहुत बोलता तो ऐसा महसूस होता कि उसके बोलने की ज़रूरत है। तो अपने आप को वैसा बन बन के जी रहा है, खुलकर नहीं जी रहा है। तो खुलकर कब जिएगा? उस वक्त जिएगा जब वो अपने आप को बोलेगा, वो स्पीच देगा, उसको लोग सुनेंगे। जब वो स्पीच देगा, लोग सुनेंगे, तो वो खुलकर जिएगा, और खुलकर जीने से उसे भी खुशी होगी और दुनिया को भी उसके इल्म होगा। उसे कहते हैं एक्सप्लोर योर सेल्फ, खुलकर जियो, बिंदास जियो। आज की ज़िंदगी में हम खुलकर नहीं जीते, हमारे अंदर जो काबिलियत है हम वो नहीं देखते, हम कुछ और करना चाहते हैं। हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि चार चार
बंगलों के फ्लैट के 50-50 कारें हम खरीद सकते, कमा सकते बहुत, लेकिन लोग हमें रोक रहे, लेकिन हम खुलकर नहीं जीना चाह रहे। हम कह रहे नहीं, ये भाई वो भाई, इसकी गाड़ी को देख के खुश, उसकी गाड़ी को देख के खुश। आप खुद की पर्सनैलिटी बना के आप खुद कमाइए। दहली क्या, चीन चले जाइए इसके कमाने को, दहली क्या यूरोप और अमेरिका चले जाइए, खुलकर जिए। मगर खुलकर जीना बहुत अच्छी बात है, और खुलकर जीने से बहुत से मसले हल होते हैं जी। जनाब अली, आज के ज़माने का इंसान खुलकर नहीं जी रहा है, बाकी सब है। खुलकर नहीं जी रहा है, बाकी सब है। घर में हैं तो अपने माँ बाप से खुल जाओ, फ्रीली बोलो, जो अच्छे से आपसे बात करते हैं, जो वाकई में बेटा समझते हैं। भाइयों से खुल जाओ, वो जिनको से तुम बात करना पसंद करते हो। अपने औलादों से खुल के बात करो। अपने कामों में कहीं पर भी लीडरशिप में आप लीडर है तो उनसे, लीडर्स है तो उनसे भी खुल कर एक्सप्लोर करो अपने आप को। मैं तकरीबन बॉम्बे में अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल रहा हूँ, सर्विस किया, अलग अलग ज़िंदगी गुजारा। मैंने वहाँ के लोगों की एक ख़ास बात देखा, वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, खुलकर बोलने की सलाहियत बहुत है उनमें, अपने आप में, किसी भी टॉपिक पे। यार वो बंदा बहुत कमाल का है, या किसी भी बात को एकदम एक्सप्लोर करके और अच्छे से बातचीत करने का तरीका बहुत रखते हैं। भले लैंग्वेज कैसी भी रहेंगी, यो पट्टी की लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज, लेकिन एक्सप्लोर करके और ख़ुद को बोलने का तरीका बहुत है। कोई बोलना भी चाहता है उसको मौका भी बहुत देते हैं बोलने का भी, ये असल बात है। तो अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, खुल के जिए। अगर आप खुल के जिएंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। इससे आगे भी अभी वीडियो है बाकी, एक्सप्लोर योर सेल्फ मेरा टॉपिक है। और अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें बहुत से मसलों का हल है। आज के लिए इतनी, फिलोसोफर हैप्पीनेस में और एक बार हाजिर रहूँगा नए नए अच्छे वीडियोस के साथ, खुश रहने के तरीके। मोहम्मद साकिब मेहदी, मेरे चैनल को बुल्ढाना ज़िले में मलकापुर, औरंगाबाद, मकसद, अल मकसद, फिल मकसद, ताइफ में, जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब बिल्कुल अब बिंदास कीजिए। रखता हूँ, वस्सलाम। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वस्सलाम।